मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी खीर। तो क्रीमी खीर मैं एक अलग ही तरीके से बनाऊंगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं कैसे बनाती हूँ और उसके लिए मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो क्रीमी खीर बनाने के लिए मैंने ये कप चावल लिए हैं, ये मैंने लिया है देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और ये मैंने ली है चीनी, और ये मैंने कुछ इलायची के छोटी इलायची के दाने जिनको मैंने कूट लिया है, और ये मैंने एक कप दूध लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं क्रीमी खीर। ये फ्रेंड्स, मैंने जो दूध लिया था उसको मैंने कुकर में डाल दिया है, और कुकर में डाल के उबलने के लिए रख दिया है, और मैं इसको धीमी आँच पर चलाते हुए इसको उबाल लूँगी एक साइड में। ये दोस्तों, मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें जो मैंने चावल लिए थे उनको मैं अच्छी तरीके से डाल के और इसको दो तीन बार धो दूंगी पानी से। जो मैंने चावल लिए थे उनको मैंने बाउल में डाल के और इनको दो तीन बार फ्रेश पानी से मैंने धो लिए हैं। इधर मैंने गैस पे पैन रखा है, पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और मैं इसमें डाल लेती हूँ देसी घी जो हमने लिया था वो, और घी को हम गर्म कर लेते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, जिसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो मैं इसके अंदर डाल के उनको अच्छे से रोस्ट कर दूंगी। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं, हमने ड्राई फ्रूट लिए थे उनको रोस्ट कर लिया है, अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। और जो घी बचा हुआ है उसके अंदर हमने जो चावल धो के लिए थे वो भी मैं घी के अंदर डाल के उनको भी रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, चावल को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, अभी हम गैस को कर देते हैं बंद। तो दोस्तों, ये जो मैंने दूध गर्म करने को रखा था वो अच्छे से गर्म हो गया है, इसके अंदर हमने जो रोस्ट करके चावल लिए थे वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने चावल डाल दिए इसके अंदर, जो मैंने रोस्ट करके ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और अभी मैं चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और जो मैंने इलायची पाउडर लिया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। दोस्तों, आज ये खीर मैं बनाऊंगी कुकर के अंदर, तो मैं ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और अभी मैं कुकर का ढक्कन बंद करके और सीटी लगवा दूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने दो सीटियाँ लगा दी हैं, और अभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद, और कुकर खुलने तक का हमें इंतज़ार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कुकर को खोल देती हूँ, और ये देखिए हमारी खीर बन गई है। आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितनी बढ़िया खीर बनी है, एकदम क्रीमी। ये देखिए, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ अब इसको। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी खीर कितनी बढ़िया खीर बन गई है, ये बहुत ही एकदम से, ये देखिए कितनी बढ़िया खीर बनी है, बहुत क्रीमी खीर बनी है। तो आप भी ये कुकर में ये खीर बनाइए, खाइए। और मैं अभी थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे हमने वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये खीर बहुत ही बढ़िया खीर बनती है, खाने में भी बहुत अच्छी होती है, और ये फटाफट से भी बन जाती है कुकर में। सिर्फ मैंने दो सीटी लगाई हैं फुल आंच पे। तो आप भी ऐसे ये खीर बनाइए, खाइए, और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और धन्यवाद, मैं आपको फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।